तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो वापस आ चुके हैं GTA 5 की एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ और अपने इंडियन कार्ड के साथ। और गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं GTA 5 में गाइस टिल्टेड वाटर रैंप चैलेंज। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को रैंप दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा भाई ट्रैक है यार, वो आप लोग देख सकते हो भाई। जो हमारा रैंप है भाई, वो पूरा बीच की तरफ झुका हुआ है। और भाई साहब, बीच में जो पानी भरा हुआ है ना यार, ये सच में काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी है। इस बार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है भाई अपनी इंडियन कार्स को भाई ये वाला चैलेंज करने में। तो भाई जो भी अपनी इंडियन कार भाई, ये पूरा जो अपना ट्रैक है यार, इसको पार कर लेगी और वहाँ पे आगे है हमारा फिनिश पॉइंट। और जो भी गाड़ी भाई यहाँ पे पहुँच जाएगी, वैसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो भी गाड़ी भाई अपनी यहाँ तक तो पहुँचेगी, वो हो जाएगी अपनी इस चैलेंज की विनर। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी पहली गाड़ी वो है अपनी Scorpio S11। तो देखते हैं गाइस अपनी स्कॉर्पियो यार, क्या ये इस गहरे गहरे गड्ढों को पार कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और ये चली भाई अपनी स्कॉर्पियो यहाँ पे। ओ भाई, तो पानी यार सच में काफ़ी ज़्यादा गहरा है यहाँ पे। ओह, टेढ़ी भी हो रही है यार गाड़ी यहाँ पे। भाई साहब, जो रैंप है सच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक है। ओहो भाई, और मुझे लग रहा है भाई स्कॉर्पियो यहाँ पे जो है भाई ज़रूर से कर सकती है। ओह भाई, भाई साहब, ओ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी। तो गैस यहाँ पे पानी जो हमारी Scorpio S11 यार, ये पहली गाड़ी है जो अपने इस फिनिश पॉइंट तक पहुँच पाई और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई। मतलब ना गाड़ी को अगर मैं साइड में भी लेके जा रहा हूँ ना, तो बार बार वो खिसक के ना सेंटर की तरफ आई, क्योंकि अपना जो रैंप है भाई पूरा भाई बीच की तरफ ना झुका हुआ है। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पर पार्क कर देता हूँ और लेते हैं गैस अपनी नेक्स्ट कार को। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पर अपनी किया सोनेट की। देखते हैं गैस अपनी सोनेट यहाँ पर भाई कैसा परफॉर्म करने वाली है, क्या ये उस बार पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। तो फिलहाल लेके चलते हैं भाई अपनी किया सोनेट को यहाँ पर। ओहो भाई यार, अपनी किया सोनेट कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे भाई जंप ले रही है। और गाइस काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है अपनी सोनेट यहाँ पे। और इसके लिए भाई पानी मिल रहा है थोड़ा सा ज़्यादा गहरा, क्योंकि गाड़ी भी ना थोड़ी सी नीची है। ओहो, तो गाइस यहाँ पे अपनी किया सोनेट यार वो बंद पड़ चुकी, क्योंकि यार गाड़ी भी नीची थी और इसके लिए ना पानी सच में ना काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे। तो गाई ये गाड़ी जो भाई जा चुकी है अभी, टाटा बाय बाय हो चुका है इसका। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी किया सेल्टॉस की। देखते हैं गाइस अपनी सेल्टॉस की परफॉर्मेंस है भाई, वो यहाँ पे कैसी रहने वाली है। तो ये चली गाइस अपनी किया सेल्टॉस यहाँ पे। और यार ये गाड़ी ना टू व्हील ड्राइव है, जिसके वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई, इतनी स्लो स्पीड। भाई साहब ऐसे तो भाई ये गाड़ी एकदम फंसने ही वाली है। ले भाई बंद भी हो गई। तो गाइस अपनी किया सेल्टॉस या टू व्हील ड्राइव थी, इसकी वजह से इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही भाई धीमी हो रही थी। मुझे लगा था ये गाड़ी कर ले जाएगी, लेकिन देख सकते हो भाई पूरी गाड़ी भी पानी के अंदर डूबी हुई है यहाँ पे। तो गाइस अब जहाँ पे हमारी अगली गाड़ी है वो है अपनी टाटा हैरियर। देखते हैं गाइस अपनी हैरियर भाई यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और ये चलिए अपनी टाटा हैरियर यहाँ पे, और अभी तक तो काफ़ी बढ़िया कर रही है ये गाड़ी, क्या बात है। ओहो भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा पानी है यहाँ पे। भाई मैं जितना भी साइड में लेके जाऊँ ना, गाड़ी एकदम से बीच में ही आ जा रही है और मुझे लग रहा है बंद होने वाली है गाड़ी बहुत ही जल्द। और गैस अपनी जो टाटा हैरियर यार, ये ऑलमोस्ट यार बीच में तो मेरे हिसाब से आई गई थी यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसने तो अपना रैंप है भाई वो यहाँ पे पार्क कर लिया था, लेकिन उसके बाद यार शायद इसके इंजन में पानी जा चुका है, तो ये गाड़ी भी हो चुकी है बंद। तो मैं इसको भी जल्दी से यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पर अपनी फॉर्चूनर लेजेंडर की। देखते हैं गैस जो अपनी लेजेंडर है भाई, क्या अपना चैलेंज कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और ये चलिए भाई अपनी लेजेंडर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी है, और मुझे लग रहा है भारी गाड़ी में यहाँ पर ना ज़्यादा ही दिक्कत होने वाली है। भाई ये तो बिल्कुल भी जंप भी नहीं ले रही है। ओहो, और अभी तो काफ़ी सही चीज चल रहा है भाई यार। ओ ओ ओ, चल 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 लेजेंडर चल। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ गया यहाँ पे। और यार अपनी लेजेंडर भी यार शायद बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपनी हैरियर से भी आगे निकल गई थी यहाँ पे अपनी जो लेजेंडर है। और यहाँ पे आके यार अपनी जो गाड़ी है ना वो बंद पड़ गई, क्योंकि इन गड्ढों में ना जो पानी है ना बहुत ही ज़्यादा पानी है भाई, गाड़ी पूरी डूबी जा रही है। तो फिलहाल अपनी लेजेंडर भी जो है भाई यहाँ पर फेल हो चुकी है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पर अपनी होंडा सिटी का। मुझे लग नहीं रहा कि अपनी होंडा सिटी भाई ये चैलेंज कर पाएगी, क्योंकि यार ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है अपनी होंडा सिटी का यहाँ पे। ओह, और मुझे लग रहा है भाई आगे जाके पूरी डूबने ही वाली। लो भाई डूब भी गई, मेरे बोलते ही डूब गई और बंद भी पड़ गई यार। भाई गाड़ी कुछ ज़्यादा ही नीचे आ रही है वाली। तो भाई अपनी होंडा सिटी भी जो है भाई यहाँ पे फेल हो चुकी, क्योंकि यार ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नीची थी। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी देसी गाड़ी महिंद्रा बुलेरो की। तो देखते हैं गाइस अपनी बुलेरो भाई वो यहाँ पे भाई कैसा करती है। और ये चलिए भाई अपनी बुलेरो यहाँ पे। ओहो, अभी तो काफ़ी सही कर रही है, क्योंकि इसका जो वेट है भाई उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, क्या बात है। ओहो भाई जम मार दे रही है यार ये गाड़ी तो। अरे भाई तेरी हो गई,
भाई साहब गाड़ी अपनी जो है टेढ़ी हो गई, तो मैं इसको वापस बीच पे ले जाऊंगा, नहीं तो फिर चीटिंग हो जाएगी इस गाड़ी के साथ। ओहो अब लग रहा है बंद होगी, अब बंद होगी, अब बंद होगी। ओहो स्टार्ट है बीबी, क्या बात है यार, भाई साहब मान गए यार बुलेरो को, आज तो कुछ ज़्यादा ही जाने यार इस गाड़ी में। ओहो भाई आखिरी वाला, और गैस यहाँ पे जो अपनी महिंद्रा की बुलेरो यार, ये भी अपने फिनिश पॉइंट पे पहुँच गई है, अपनी स्कॉर्पियो और अपनी बुलेरो, भाई अभी तक तो दो ही गाड़ी जो है भाई यहाँ तक तो पहुँच पाई हैं, तो इसको मैं जल्दी से गैस यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी XUV 500 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी कार है। देखते हैं भाई अपनी 500 का यहाँ पर सीन है भाई, वो कैसा रहने वाला है। और भाई हैवी कार है तो इसको ना डूबने का बहुत ही ज़्यादा डर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि भारी गाड़ी ना जल्दी डूबती है। और भाई लो गई, और भाई पानी का लेवल आप लोग देखो यार, सच में काफ़ी ज़्यादा है यार, मतलब अपनी XUV जैसी गाड़ी भाई यहाँ पे डूब चुकी है। तो फिलहाल जल्दी से मैं अपनी XUV 500 को यहाँ से निकाल देता हूँ बाहर। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी फोर्ड एंडेवर की, और देखते हैं गाइस अपनी एंडेवर की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे कैसी रहती है। और ये चलिए भाई अपनी एंडेवर यहाँ पे, ओहो भाई क्या बात है, भाई साहब जम मार दी इसने पूरी, भाई इसमें तो नेक्स्ट लेवल पावर है यार। ओहो बस बंद ना हो यार, भाई साहब गाड़ी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है यहाँ पे ये वाली, भाई साहब पूरी पानी के अंदर चल रही है, और लो भाई बंद पड़ गई। तो गैस यहाँ पे जो हमारी एंडेवर है यार, मुझे लगा था कि यार ये गाड़ी पार कर जाएगी, लेकिन भाई पता नहीं कैसे यार ये गाड़ी बंद हो गई, और पता नहीं कैसे यार ये गाड़ी यार पानी के अंदर चल रही थी यार, लिटरली यार गाड़ी पानी के अंदर चल रही थी। तो गैस फिलहाल जो अपनी एंडेवर यहाँ पे बंद पड़ चुकी है, तो मैं इसको जल्दी से यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी XUV 700 की, देखते हैं गैस अपनी 700 भाई इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी रहती है। और ये चलिए भाई अपनी XUV 700 यहाँ पे, ओहो काफ़ी सही चल रही है अभी तक तो, भाई साहब कूद कूद के निकल रही है तो, ओहो भाई क्या पावर है। और आगे बहुत ही सारा पानी निकल गई, भाई साहब निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, भाई यार तो यहाँ पे अपनी XUV 700 मतलब कि यार एक दो शायद तीन गड्ढे और बचे थे भाई, अपनी 700 भी यहाँ पे पास हो जाती, लेकिन फिलहाल यार अपनी ये गाड़ी भी यहाँ पे आके यार बंद पड़ चुकी है, तो मैं इसको भी जल्दी से यहाँ से निकाल देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी ऑफ रोड किंग महिंद्रा थार की, देखते हैं गैस अपनी थार है भाई यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और ये भाई अपनी थार यहाँ पे, भाई साहब क्या पावर है, और मिल रहा है ये गाड़ी कर सकती है यहाँ पे, ओहो क्या बात है भाई, बहुत ही गहरा पानी है भाई, थार अभी भी स्टार्ट है लेकिन, भाई साहब और मुझे लग रहा है भाई ये कर रही है क्या भाई, कितनी ज़्यादा जान लगा रही है यार ये गाड़ी अपनी यहाँ पे। ओहो भाई साहब साइड में आ गई पूरी, भाई जंप पे जंप जंप पे जंप मार रही यार ये गाड़ी यहाँ पे, क्या पावर यार भाई। आखिरी वाला, और गैस यहाँ पे अपनी महिंद्रा थार भी यार पहुँच चुकी है अपने फिनिश पॉइंट पर, भाई जंप मार दी बर्बाद। तो गैस यहाँ पे अपनी थार है कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गई थी, तो हमने इसको वापस ला के किसी तरीके से ऊपर रखा है। तो फिलहाल लेते हैं गैस अपनी अगली गाड़ी को। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी लैंड क्रूजर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम और ऊंची गाड़ी, तो देखते हैं यार अपनी लैंड क्रूजर का सीन यहाँ पे कैसा रहता है। ओहो क्या बात है भाई, काफ़ी सही चल रही है, तो पूरी गाड़ी पानी के अंदर है, ओ भाई बंद पड़ गई। तो यार यहाँ पे अपनी लैंड क्रूज़र यार ये भी बंद पड़ चुकी है, और एक बात और यार ये गाड़ी भी काफ़ी हैवी गाड़ी, तो मतलब हैवी गाड़ी को ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल जो अपनी लैंड क्रूज़र है ये बंद हो चुकी है, तो मैं इसको जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी इनोवा क्रिस्टा की, देखते हैं गैस अपनी क्रिस्टा भाई यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा यहाँ पे, ओहो भाई काफ़ी सी चल रही है यार। वैसे तो अपनी इनोवा क्रिस्टा ज़्यादातर रैंप अच्छे करती नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़िया कर रही है आज अभी तक। और लो भाई बंद पड़ गया, भाई इंजन में पानी जा चुका है अपनी इनोवा क्रिस्टा के। तो भाई मैं इसको भी जल्दी से ना यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, ज़्यादा आगे आई भी नहीं थी मेरे हिसाब से, भाई थोड़ी सी आगे आई थी। तो गैज़ा बारी आती है यहाँ पर अपनी टाटा सफारी 2021 की, तो देखते हैं भाई अपनी सफारी का सीन भाई यहाँ पर कैसा रहता है। ओ भाई अभी तक तो काफ़ी सही चल रही है यार, भाई क्या बात है भाई, पूरी डूब के निकल आई, भाई साहब क्या चल रही है यार टाटा सफारी यहाँ पे। ओ भाई भाई साहब क्या परफॉर्मेंस यार इस गाड़ी की, मतलब नेक्स्ट लेवल यार, टेढ़ी हो गई। और गैस यहाँ पे जो हमारी टाटा सफारी यार ये भी पहुँच चुकी है यार अपने फिनिश पॉइंट पे, क्या बात है यार
इस बार जोश को मैंने काबू में रख लिया भाई, ज़्यादा रेस नहीं दिया, नहीं तो अभी ये भी अभी पानी में घुस जाती, तो मैं इसको भी जल्दी से जो है यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी ह्युंडई क्रेटा की, तो देखते हैं भाई जो अपनी क्रेटा है यहाँ पे क्या अपना चैलेंज कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और माइकल बैठ गए पूरा आराम लेके अपनी क्रेटा के अंदर। ये चली भाई क्रेटा अपनी, ओह भाई पानी में घुस गई पूरी, अभी भी स्टार्ट है यार अपनी गाड़ी यहाँ पे, भाई साहब क्या बात है, ओहो। तो गाइस यहाँ पर अपनी क्रेटा भी काफ़ी बढ़िया कर रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी यार अपनी क्रेटा इतना सही से करेगी, क्या बात है भाई साहब, पूरा एक स्किप मार दिया, एक घंटा भाई पूरा पार कर गई अपनी गाड़ी यहाँ पे। और यार अपनी जो ह्युंडई क्रेटा यार, लाल लाल क्रेटा, लाल लाल रैंप पे यार अपनी चढ़ के पहुँच चुकी है अपने फिनिश पॉइंट पे, क्या बात है यार। तो मैं इसको भी जल्दी से जो है भाई यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। और धुलने के बाद यार गाड़ियाँ ना अलग ही शाइन मारती हैं यार, ये देखो कितना शाइन मार रही है अपनी क्रेटा यहाँ पे। तो कैसा बारी आती है यहाँ पे अपनी नीचे गाड़ी अपनी i20 की, तो भाई इसको ना दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये गाड़ी ना काफ़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली है, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है इसका। और ये चली भाई अपनी i20 यहाँ पे, और अभी से ही भाई इसको काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो भाई हो नहीं पाएगा इससे भाई साहब, अपनी i20 जो है भाई यहाँ पे बंद पड़ चुकी है और पूरी गाड़ी यार अपनी पानी के नीचे है, तो मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी नन्नी मुन्नी सुजुकी स्विफ्ट की, देखते हैं गाइस अपनी स्विफ्ट यार इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी रहती है। और ये चली भाई अपनी स्विफ्ट यहाँ पे, ओहो काफ़ी सी चल रही है अभी तक, और चल रही है अभी भी स्टार्ट है, अभी भी स्टार्ट है, क्या बात है यार, और अपनी छोटी गाड़ी में अभी भी काफ़ी जान है यार अपनी स्विफ्ट में यहाँ पे, ओहो। और गैस अब जाके जो अपनी स्विफ्ट यार यहाँ पे बंद पड़ चुकी है, तो यार अपनी स्विफ्ट भी इधर आके फेल हो चुकी, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी ना यार उस हिसाब से काफ़ी आगे तक आई यार अपनी गाड़ी यहाँ पे। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी ह्युंडई वेन्यू के लिए, देखते हैं गैस अपनी वेन्यू है यार इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी रहती है। तो ये चली भाई अपनी वेन्यू यहाँ पे, ओहो काफ़ी सही चल रही यार, बहुत क्या बात है यार, अरे भाई भाई यार ये गाड़ी ना कुछ कमाल करने वाली मुझे यहाँ पे लग रहा है यार, भाई साहब क्या चल रही यार एकदम ज़बरदस्त। और फाइनली ओह भाई पूरी फ्लिप मार दी भाई गाड़ी ने, वो उल्टा निकालना पड़ेगा, उल्टा निकालना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली जो यहाँ पे अपनी नई वेन्यू यार ये भी पहुँच चुकी है अपने फिनिश पॉइंट, भाई टेढ़ी हो गई यार, तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे हमारी आखिरी गाड़ी अपनी टाटा नेक्सॉन की, देखते हैं अपनी नेक्सॉन भाई उस पर पहुँच पाती कि नहीं पहुँच पाती, क्योंकि अपनी जो टाटा सफारी यार वो तो उधर पहुँच गई है। और ये चलिए भाई अपनी टाटा नेक्सॉन यहाँ पे, ओहो भाई तो गाइस ये गाड़ी अभी काफ़ी बढ़िया बढ़िया जंप ले रही है यहाँ पे, देखते हैं गाइस क्या सीन रहता है इसका आगे। और अभी तो तुम्हें लग रहा है भाई ये गाड़ी बीच में तो पहुँच ही चुकी है अपने सेंटर पे, भाई साहब टेढ़ी मेढ़ी हो रही यार पूरी गाड़ी ये भी अपनी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है इस गाड़ी को दिक्कत होने वाली है, भाई क्या बात है। तो गैस यहाँ पे भाई अपनी जो टाटा नेक्सॉन है इसका भी ना एंड सीन आ चुका है यहाँ पे, इसका भी इंजन जो है भाई बंद पड़ चुका है, तो मैं इसको भी जल्दी से यहाँ से निकाल देता हूँ। तो गैस इसी के साथ जो हमारा आज का चैलेंज है वो होता है कम्प्लीट। उम्मीद है आप लोग को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आज का जो हमारा ये रैंप था ये भी पसंद आया होगा। तो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।